इंग्लिश एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जीतना है तब सीखना है स्टार्ट योर डे विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड पेरेंट्स बी पॉजिटिव क्वेश्चन पेपर अच्छा आएगा बी कॉन्फिडेंट मैं एक अच्छा स्कोर करने के लिए तैयार हूँ कीप पेशेंस कूल माइंड रहें स्ट्रेस ना लें अगर स्ट्रेस है देन थ्री टाइम्स लॉन्ग ब्रेथ इन थ्री टाइम्स लॉन्ग ब्रेथ आउट क्वेश्चन पेपर रीडिंग के फिफ्टीन मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आप इन्हें कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं तीन ऑप्शन आपके सामने आते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़कर अनसीन पैसेजेस को पढ़कर या राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन के क्वेश्चन का सलेक्शन करके एज पर माई सजेशन नंबर थर्ड ऑप्शन के साथ आप जाए राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन के क्वेश्चन का सिलेक्शन करें नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ सेक्शन आई मीन क्वेंस आप पहले कौन सा सेक्शन ए बी और सी अटैम्प्ट करने वाले हैं जिस सेक्शन में आप ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करते हैं उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं बट एज पर माई सजेशन सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर स्किल्स से स्टार्ट करें आफ्टर वर्स सेक्शन सी लिटरेचर स्किल्स एंड एट द लास्ट सेक्शन ए से आप लास्ट करें नेक्स्ट स्टेप टाइम मैनेजमेंट आई मीन टू से पहले ही डिसाइड कर लें आप कितने टाइम में किस सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे लास्ट के लिए एटलीस्ट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स सेव करना ही करना है जिससे आप अपनी नोटबुक को रीचेक कर सकें एनालिस कर सकें नेक्स्ट स्टेप टाइम मैनेज करने के लिए आपको पहले क्वेश्चन से ही अपनी राइटिंग स्पीड मेंटेन करनी होगी स्पीड के साथ साथ ग्रामर और स्पेलिंग्स की एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना ही करना है राइटिंग सेक्शन को किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं कुछ टिप्स हैं राइट एज पर फॉर्मेट डोंट एक्सीड द वर्ल्ड लिमिट वन हंड्रेड ट्वेंटी से वन हंड्रेड ट्वेंटी वर्ल्ड लिमिट होती है इतने में ही कंप्लीट कर दें और वन हंड्रेड तक कम्प्लीट कर दो ना लेस वर्ड्स लेस मिस्टेक्स मोर मार्क्स राइट टू द पॉइंट रेलिवेंसी को मेनटेन करें एंड इम्पोर्टेंट थिंग है राइटिंग सेक्शन में आए क्वेश्चंस का इफेक्टिवली आंसर लिखने के लिए पहले मेन पॉइंट्स प्रिपेयर करें फिर उनकी हेल्प से आंसर कंप्लीट करें मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए उन्हें अंडरलाइन जरूर कर दें ग्रामर स्किल्स ट्वेल्व क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको टेन अटैम्प्ट करने हैं इट मीन्स टू क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है जो एम सी क्यूज पर बेस्ड होंगे उनमें एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करना है आई टू से वन बाई वन रॉन्ग ऑप्शन को डिलीट करना आपको आपका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा आइडेंटिफाई द एरर इस क्वेश्चन को बहुत सिंसियरली इसमें आपको ऑप्शंस मिल भी सकते हैं और विदाउट ऑप्शन भी आ सकता है यस yes, बहुत सिंसियरली इसको आपको सॉल्व करना है ग्रामर स्किल्स पर बेस्ड पूरी एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है सभी टॉपिक्स उसमें कवर किए हैं क्लिक कर कर देख सकते हैं लिटरेचर सेक्शन के लिए टिप्स जिस क्वेश्चन को स्किप करना है उसे स्किप करना नहीं भूलना है क्वेश्चंस को बहुत सिंसियरली पढ़ना है समझना है तब एज पर वर्ल्ड लिमिट उनका आंसर हमें कंप्लीट करना है रीडिंग स्किल्स में आए दोनों पैसेजेस बहुत इजी आएंगे बस सिंसेयरली उनको पढ़ना है समझना है जो ये माइंड सेट है ना टफ आते हैं टफ़ नहीं आते हैं हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं अभी भी आपके हैंड में टाइम है थ्री फाइव और सेवन एटलीस्ट तीन पाँच या सात जितने भी कंफर्टेबली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तीन पैसेज़ की प्रैक्टिस कर डालिए रियली really, हो सकता है वो अनसीन पैसेज सीन पैसेज में बदल कर आपको जो आपने पढ़ा है वही आपको मिल जाए जो पैसेज आते हैं उनको दो बार पढ़ना है पेशेंस के साथ एंड जो वर्ड लिमिट है आपके क्वेश्चन के आंसर देने की लिए वन मार्क का क्वेश्चन है सो हार्डली टेन टू फिफ्टीन वर्ड्स में उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें और एम सी क्यूज के जो टाइप बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनमें एनिमेशन ट्रिक का यूज़ करना सिंसेयरली वो हो जाएंगे मेन पॉइंट्स को चाहे वो राइटिंग सेक्शन में या लिटरेचर सेक्शन में हाईलाइट करना नहीं भूलना है हाईलाइट करने के लिए उन्हें अंडरलाइन किया जाता है उसके लिए ब्लू बॉल और ब्लू जेल पेन ही यूज़ करना है क्वेश्चंस को बहुत सिंसेरली पढ़ना है समझना है तब बहुत बुद्धिमानी से आंसर देना है ब्लू बॉल पेन और ब्लू जेल पेन का ही यूज़ होगा स्किप टू लाइंस, यस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट टू लाइंस आपको वहाँ पर स्किप करनी है फिर नया क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है ओवर एंड कटिंग से बचना है रफ वर्क के लिए लास्ट पेज यूज़ करना है एंड प्रिपेयर मेन पॉइंट्स टू राइट आंसर अपने आंसर को राइट करने के लिए मेन पॉइंट्स को अपने रफ वर्क पर लिख आप देख सकते हैं एंड जो आपका लास्ट पेज है भाई स्टार्ट हमने किया था गॉड एंड पेरेंट की ब्लेसिंग से देन भाई अपने टीचर को भी नहीं भूलना है यह लास्ट पेज पर मेंशन कर देना सर ओब्लिक मैडम नीड योर ब्लेसिंग्स आशीर्वाद मिलेगा समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ लिख देना आंसर शीट इम्पोर्टेंस रखती है सो आंसर शीट में मार्क्स बढ़ाने वाली प्रेजेंटेशन अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है क्लिक कर कर देख सकते हैं आपके लिए बहुत यूज़फुल फ्रूटफुल ये रहने वाली है कोई डाउट है कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट में राइट करें कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप करके नहीं आना है सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एंड अर्ली बर्ड्स क्लास विशेज यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूर एग्जामिनेशन कीप लर्निंग विथ अर्ली बर्ड्स क्लास सफलता की क्लास गॉड ब्लेस यू ऑल